हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ट्रीट स्टडी 24x7। मैं हूं कबीर। सो फ्रेंड्स, बेसिकली इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स मार्च 1st टू मार्च 15 डिस्कस करने जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आप सभी स्टूडेंट्स का अपने चैनल की तरफ से दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करें। सो फ्रेंड्स, बेसिकली हम क्या करेंगे इस वीडियो में, हम करंट अफेयर्स को वन लाइनर की फॉर्म में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। बिकॉज अगर मैं MCQ की फॉर्म में करंट अफेयर्स बनाऊँ तो बहुत से कम क्वेश्चन डिस्कस होते हैं, तो मैं चाहता हूं आपके साथ मैक्सिमम करंट अफेयर्स डिस्कस कर पाऊं ताकि आप मैक्सिमम स्कोर ऑब्टेन कर सको। सो फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो अपडेट चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे स्ट्रीट सिटी 24x7 लेके आपको वहां पे हमारा ऑफिशियल चैनल मिल जाएगा, वहां पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा हर वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल @StreetStudy लिखेंगे तो वहाँ पे आपको हर वीडियो की PDF मिल जाएगी। अगर आप वीडियो पूरा नहीं देख पाते तो वहाँ से आप वीडियो की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि शेयर टू ऑल ग्रुप्स भी आप कर देना, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए करंट अफेयर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो हो सकता है उनके लिए काफ़ी बेनिफिट रहे इस वीडियो से। सो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज पेंशन अदालत। सो रिसेंटली पेंशन अदालत ओपन्ड इन जम्मू। तो फ्रेंड्स, मैंने बिल्कुल वन लाइनर बनाया, आप चाहें तो साथ साथ में नोट्स बना लेना इन क्वेश्चंस के, ताकि आपको 1st मार्च टू 15th मार्च के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपके माइंड में बिल्कुल एक प्रिंटर की तरह प्रिंट हो जाएं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यू PM ऑफ मलेशिया। तो मलेशिया के न्यू PM कौन बने हैं, तो इनका बिल्कुल सही नाम होगा मुहिउद्दीन यासिन। तो फ्रेंड्स, इससे पहले बहुत एजड PM थे, उनको रिप्लेस किया है मुहिउद्दीन यासिन ने। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज चिली फेस्टिवल। तो चिली फेस्टिवल अभी रिसेंटली कहाँ मनाया गया, तो ये हुआ MP में, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में खारगोना डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट पॉइंट इज मैक्सिकन ओपन टाइटल 2020। तो रिसेंटली किसने अभी हाल ही में मैक्सिकन ओपन टाइटल 2020 जो कि टेनिस में हुआ, वो किसने जीता, तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा टेनिस में राफेल नडाल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। तो जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब मनाया जाता है, ऑन मार्च 1st। नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट इज हॉकी प्लेयर पास्ट अवे। तो अभी हाल ही में किस हॉकी प्लेयर का निधन हुआ है, तो इनका बिल्कुल सही नाम है बलवीर सिंह कुल्लर। तो फ्रेंड्स, कभी कभी आपने देखा होगा क्वेश्चंस ओबिचुरी से रिलेटेड भी आते हैं, वो क्या करेंगे आपसे ये पूछ लेंगे बलवीर सिंह कुल्लर रिसेंटली पास्ड अवे रिलेटेड टू विच फील्ड। तो आपको याद रखना है ही वाज रिलेटेड टू हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रेनिंग ऑफ नेपाल्स जुडिशरी ऑफिसर। तो अभी हाल ही में ट्रेनिंग चल रही हुई है नेपाल के जुडिशरी ऑफिसर की, वो कहाँ पे हो रही है, तो इट इज टेकिंग प्लेस इन इंडिया। बिकॉज इंडिया जो है वो एक तो नेबरिंग कंट्री है, और इंडिया जो नेपाल की मदद करता है, वो इंडिया की जो मदद है वो एज कम्पेयर टू चाइना बहुत ज़्यादा है, बट फिर भी इंडिया और नेपाल के रिलेशन कुछ टाइम से आप जानते हो कि अच्छे नहीं चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्रेक्स इंडिया 2020। तो अभी हाल ही में एक कॉन्फ्रेंस चल रही है एक्रेक्स इंडिया, तो ये कहाँ चल रही है, ये चल रही है ग्रेटर नोएडा में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोकियास न्यू प्रेसिडेंट एंड CEO। नोकिया के न्यू प्रेसिडेंट और CEO कौन है, तो इनका नए अपॉइंट हुए, इनका नाम है पेका लंडमार्क जी MD एंड CEO बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीमा वर्मा कौन, जी एक लेडी है सीमा वर्मा, सो शी हैज़ बीन इंक्लूडेड इन US कोरोना वायरस टास्क फोर्स। तो आपको पता है जैसे कि कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, आज की डेट में भी मैंने अभी सुबह सुबह का आपको बताऊं तो अराउंड 140 केसेस इंडिया में पॉजिटिव पाए गए हैं कोरोना वायरस के, सो शी इज़ एन इंडियन अमेरिकन। तो फ्रेंड्स, मैं कोरोना वायरस से रिलेटेड आपको एक सलाह देना चाहूं, तो मैं यही कहूंगा आप हैंड के लिए सैनिटाइजर जितना हो सके यूज़ करें। आप थोड़ी थोड़ी देर के बाद अगर आप कहीं प्राइवेट कंपनी या ऑफिस में जॉब करते हैं तो अपने हाथ को थोड़ी थोड़ी देर बाद सैनिटाइजर से साफ करते रहें। इसके अलावा अगर आप जब भी घर से बाहर निकलें या ऑफिस के लिए निकले तो अपने मुंह पे मास्क पहन लें। जरूरी नहीं है कि आपको मास्क लेना है वो डिटोल का ही हो या किसी अच्छी कंपनी का ही हो जो बहुत कॉस्टली हो, आप नॉर्मल मास्क भी यूज कर सकते हैं। बेसिकली मास्क का काम यही है जो भी अनवांटेड पार्टिकल हैं उनसे आपको सेफ्टी मिले। सो नेक्स्ट पॉइंट इज सुवांशु पांडे। सो न्यू MD ऑफ MMTC। तो MMTC क्या है, मेटल्स एंड मिनरल्स ट्रेडिंग कॉरपोरेशन। तो इनके न्यू MD एंड CEO बने हैं सुधांशु पांडे। सो 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस होगी 2021 में, ये कहाँ पे होगी, पुणे में। तो आपको बताना है जो 107th इंडियन साइंस कांग्रेस होगी जो 2020 में, ये कहाँ पे होगी। इस क्वेश्चन को आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर शेयर करूंगा, उसके बाद मैं कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आपके साथ लिख दूंगा, बट आप पहले इसका कमेंट जरूर करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक चैंपियनशिप। तो ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक चैंपियनशिप कहाँ हो रही है, इट इज़ टेकिंग प्लेस इन हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हम सफर मोबाइल ऐप
डोर, ये बेसिकली किस लिए है? हम सुपर मोबाइल ऐप डोर स्टेप डीजल डिलीवरी, घर तक आपको डीजल मिले उसके लिए है। तो बेसिकली हमारे लेबर मिनिस्टर कौन है? इसके अलावा ये पॉइंट भी आप याद रखें, संतोष गंगावर SG, ऐसे याद रख सकते हैं, लेबर मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज NSG रीजनल हब कैंपस। तो NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने ये कहाँ पर बनाया है? तो कोलकाता में NSG का रीजनल हब कैंपस है। अरुणाचल प्रदेश असेंबली, तो अरुणाचल प्रदेश असेंबली बेसिकली पेपरलेस होने जा रही है, इसलिए इन्होंने ई विधान प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया है। नेक्स्ट पॉइंट इज वर्ल्ड प्रोडक्टिविटी कांग्रेस। तो बेसिकली वर्ल्ड प्रोडक्टिविटी कांग्रेस कहाँ पे चल रही हो रही है? इट इज टेकिंग प्लेस इन बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। तो भी हाल ही में फर्स्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ पे हुए? सो इट टुक प्लेस इन भुवनेश्वर। नेक्स्ट इज पूसा कृषि विज्ञान मेला। तो पूसा कृषि विज्ञान मेला इन न्यू दिल्ली। वर्कशॉप ऑन एफिशिएंट यूज़ ऑफ वाटर बाई इंडस्ट्रीज। तो जो आपको पता है कि वाटर की स्कार्सिटी बहुत ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि अभी समर का सीज़न भी आ रहा है, तो इस स्कार्सिटी को कम किया जाए, इस कमी को कम किया जाए, तो इसलिए एफिशिएंट यूज़ ऑफ वाटर होना चाहिए। सो ये बेसिकली इसके ऊपर वर्कशॉप हुई है, कहाँ पर हुई? इट टुक प्लेस इन न्यू दिल्ली। नेक्स्ट इज अभी किस कंट्री ने हाल ही में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री कर दिया? बिल्कुल फ्री है वहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो ये कंट्री है लुक्जमबर्ग, फर्स्ट कंट्री बनी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है समर कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की समर कैपिटल कौन बनी है? तो इसका नाम है गैरसेन। तो बेसिकली इसको हिंदी में लिखते हैं गैरसेन। जैसे आपको पता होगा हिमाचल प्रदेश की समर कैपिटल किसको बोला जाता है और विंटर कैपिटल किसको बोला जाता है। जैसे हिमाचल प्रदेश की समर कैपिटल शिमला और विंटर कैपिटल धर्मशाला है, ऐसे ही इन्होंने उत्तराखंड ने अपनी समर कैपिटल गैरसेन बना दी है। तो बेसिकली फ्रेंड्स क्या है, अगर ये मान के चले ये उत्तराखंड है, तो गैरसेन बिल्कुल सेंटर में पड़ता है उत्तराखंड के। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर हर तरफ से आप कनेक्टिविटी के लिए जा सकते हो। अगर वहीं देहरादून देखें तो देहरादून बिल्कुल इस पॉइंट पे है। तो यहाँ अगर यहाँ पे कोई पिथौरगढ़ से बंदा यहाँ पे आना चाहे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए गैरसेन इज द सेंटर पॉइंट ऑफ उत्तराखंड, इसलिए इसको बेसिकली कैपिटल बनाया गया समरखंड उत्तराखंड की समर कैपिटल। नेक्स्ट पॉइंट इज न्यू चेयरमैन ऑफ BCCI सिलेक्शन कमेटी। तो BCCI सिलेक्शन कमेटी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो इनका नाम है सुनील जोशी। इसके अब आपको पता होगा BCCI के प्रेसिडेंट कौन है? तो इनका नाम है सौरभ दादा, दैट इज सौरभ गांगुली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अजय भूषण पांडे न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी। नए फाइनेंस सेक्रेटरी बने हैं AB पांडे। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टूडेंट हेल्थ केयर स्कीम कहाँ पे लॉन्च हुई है? इट इज लॉन्च्ड इन J&K। नेक्स्ट पॉइंट इज न्यू PM ऑफ स्लोवेनिया। स्लोवेनिया के न्यू PM कौन बने हैं? तो इनका बिल्कुल सही नाम है JJ, आप ऐसे भी याद सकते हो, दैट इज जेनेच जेंसा। नेक्स्ट पॉइंट इज नमस्ते ओरछा फेस्टिवल, ये अभी हाल ही में कहाँ हुआ? इट टुक प्लेस इन MP। गूगल क्लाउड टू ओपन, तो अभी हाल ही में गूगल क्लाउड कहाँ पे अपनी सर्विसेज ओपन करने जा रहा है? इट्स गोइंग टू ओपन इन दिल्ली। इससे पहले इन्होंने कहाँ किया, अगर पूछा जाए फर्स्ट कहाँ पे की थी इन्होंने, तो फर्स्ट इन मुंबई महाराष्ट्र, नेक्स्ट सेकेंड इन दिल्ली। नेक्स्ट इज फॉर्मर UN चीफ पास्ट अवे। तो अभी हाल ही में फॉर्मर UN चीफ इनका निधन हो गया, तो ये इनका आपको आपको नाम याद रखना है क्या है? सो उनका नाम है, नेम याद रखें, जेवियर पेरेस डी स्यूलर। तो फ्रेंड्स अभी आपसे पूछा जाए कि एट प्रेजेंट कौन है, तो एट प्रेजेंट है एंटोनियो गुटरिस। नेक्स्ट इज ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल। तो अभी हाल ही में ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल कहाँ पे हुआ? इट टू प्लेस इन कोची केरला। नेक्स्ट पॉइंट इज मिजोरम सेलिब्रेटेड फेस्टिवल। तो मिजोरम ने अभी हाल ही में कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया? तो इसका नाम होगा चेपचरकुट। और ऐसा भी पूछा जा सकता है आपको कि चेपचरकुट कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया, इन विच स्टेट। तो चार ऑप्शन आपको मिलेंगे वहाँ पे, मणिपुर, मिजोरम, असम, सिक्किम। तो आपको याद रखना है इट टुक प्लेस इन मिजोरम। नेक्स्ट पॉइंट इज, तो फ्रेंड्स जितने भी मेरे आपने देखा होगा वीडियोस रहते हैं, अगर आप पुराने वीडियोस पे भी एक बार नज़र मारे हो तो आप एक चीज़ देखोगे कि मैं हर क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट रहता है उसके साथ एक शॉर्ट ट्रिक दे देता हूँ, ताकि आप इजीली एग्जाम में मेमोराइज कर पाओ। क्योंकि आपको पता है एवरीथिंग बिलो द स्काई इज GK, हर कुछ GK, करंट अफेयर जो है वो संसार के आसमान के नीचे पूरा संसार ही है। बट जो आपको याद रखना, मैं वो चीज़ें ही आपके साथ शेयर करता हूँ, और उसमें भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं उसके लिए तो मैं आपके लिए बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स बना के देता हूँ, ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सके। फ्रेंड्स हमारी टीम और हमने बहुत से एग्जाम क्लियर कर रखे हैं, हमें पता है गवर्नमेंट जॉब की वैल्यू कितनी होती है। क्योंकि आपको पता है जितना मर्जी रिसेशन आ जाए, कुछ भी हो जाए, पब्लिक प्राइवेट कंपनी तो बंद होने की कगार पे आ जाती है। जैसे आपको पता होगा अभी हाल ही में वोडाफोन आइडिया का क्या हाल है, इससे पहले जेस बैंक का क्या हाल हो गया था। अगर गवर्नमेंट इन्फ्यूज ना करती तो जेस बैंक तो डेफिनेटली क्लोज हो जाता, क्योंकि 18,000 करोड़ का लॉस उन्होंने लास्ट क्वार्टर में, दिसंबर क्वार्टर में शो किया, जो बहुत बड़ा लॉस है। और गवर्नमेंट अभी भी कितना इन्फ्यूज कर रही है, 12,000 करोड़। आप देख रहे हो कितना बड़ा लॉस है, और फिर भी
हमारे पास उतना पैसा नहीं हो रहा है, बट स्टिल मैं यही चीजें कहना चाहता हूँ कि एक गवर्नमेंट जॉब की आप वैल्यू समझें और जितना हो सके हमारे चैनल से लाभ उठाएं। अगर आपको लगता है किसी स्पेशल टॉपिक पे हमें वीडियो बनानी चाहिए जिससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सके तो फील फ्री टू कमेंट। हमारी टीम दिल से और हम बिल्कुल दिल से उस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। अगर आपको लगता है किसी पर्टिकुलर टॉपिक जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, सिविक्स के ऊपर हमें एक अलग से वीडियो स्टार्ट कर देनी चाहिए तो वो भी हम आपके लिए डेफिनेट करेंगे। बट आपको भी अपनी तरफ से बिल्कुल हमारे साथ योगदान देना है। आप अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे, आप हमें मोटिवेट करेंगे, आप हमारे को बताएंगे कि ये वाला टॉपिक चाहिए तो हम आपको डेफिनेटली वो शेयर करेंगे। फ्रेंड्स, हमारा चैनल बिल्कुल फ्री चैनल है, यहाँ पे मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ आज भी फ्री है और आज से अगर ये 20 साल बाद भी रहा तो आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। एक पैसा मैं किसी स्टूडेंट से ये चार्ज नहीं करूँगा, मार्क माई वर्ड्स। जन औषधि दिवस 7 मार्च। नेक्स्ट पॉइंट इज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ प्यूमा। प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो बेसिकली करीना कपूर को बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ प्यूमा। आपको पता होगा विराट कोहली जी भी कुछ टाइम के लिए ब्रांड एम्बेसडर प्यूमा के रह चुके हैं। इसके अलावा विराट कोहली जी फ्लाइंग मशीन के ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुके हैं। यूक्रेन न्यू पीएम डेनिस शेमगिल चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर। तो सीआईसी न्यू कौन बने हैं? तो इनका नाम आपको याद रखना है बीजे, ऐसे याद रख सकते हो जैसे था डीजे वैसे बीजे, सीआईसी इज बीजे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिमल जुल्का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज श्रीलंका। तो श्रीलंका किस लिए अभी न्यूज़ में था? तो ये बिम्स्टेक समिट होगा इस वहाँ पे 2020 में। इसके अलावा अभी आपको पता होगा कि बिम्स्टेक एक 3000 पावर के अराउंड की एक ग्रिड लाइन भी लेके आ रहा है जिससे कि रीजन में कनेक्टिविटी वगैरह बढ़े, पावर लाइन बढ़े, तो काफ़ी इनिशिएटिव चल रहे हैं बिम्स्टेक में। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म भी अभी याद रख सकते हैं बी से बिम, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटेड फॉर मल्टी सेक्टोरल एंड टेक्निकल एज वेल एज इकोनॉमिक कोऑपरेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑस्ट्रेलिया ने अभी हाल ही में वीमेंस T20 वर्ल्ड कप जीता है, तो डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया था, इस बार फिर से इन्होंने यही जीता है। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल वीमेंस डे 8 मार्च। तो फ्रेंड्स ये तो सबको पता है 8 मार्च इज इंटरनेशनल वीमेंस डे, बट आपसे क्या पूछा जाएगा थीम क्या था? दैट इज आई एम जनरेटिंग इक्वेलिटी रियलाइजिंग वीमेंस राइट्स। तो आपको पता होगा कि आजकल ये तो वीमेंस ही बहुत ज़्यादा ये पॉइंट यूज़ करती हैं कि देर शुड बी इक्वलिटी बिटवीन मैन एज वेल एज इन वीमेन। सो ये इक्वल वाला पॉइंट देखें अगर आप एग्जाम में तो सीधा आप वहाँ पे टिक मार सकते हैं क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा और 101% आपको देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट इज कोवा। तो अभी हाल ही में कोवा पंजाब, एक पंजाब गवर्नमेंट ने एप्लीकेशन लॉन्च की है कोवा, दैट इज कोरोना वायरस अलर्ट। इंडिया टू लॉन्च चंद्रयान 3। तो भारत चंद्रयान 3 कब तक लॉन्च करेगा? वाई 2021, 2021 तक चांस है कि इंडिया लॉन्च करे चंद्रयान 3 को। नेक्स्ट इज मिशन शक्ति। तो डिपार्टमेंट ऑफ वीमेन SHG। तो मिशन शक्ति डिपार्टमेंट ऑफ वीमेन SHG कहाँ बना है? तो मिशन शक्ति डिपार्टमेंट ऑफ SHG बना है ओडिशा में। SHG क्या होता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं? 8 से 10 महिलाएं होती हैं बेसिकली, ये मिलके एक SHG एक हेल्प ग्रुप खोलती हैं। सपोज करो ये हेल्प ग्रुप है, ये क्या करेंगी 8 से 10 महिलाएं क्या करेंगी, सपोज करो हर महिला ने 500 रुपया जोड़ा यहाँ पे, तो 10 महिलाएं भी हुई तो कितना हो गया 5000, ठीक है। तो इसके बाद क्या करेंगे ये, सपोज करो आपको कुछ पैसों की ज़रूरत है, आपको ज़रूरत है 2000 की कुछ घर के काम के लिए, तो आप क्या करोगे यहाँ से इनसे लोन ले लोगे, ये इसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेंगी। तो ये जब तो ये इंटरेस्ट चार्ज करेंगी तो आपको क्या देना है, इनको इंटरेस्ट देना है। तो जैसे इंटरेस्ट देंगी तो ये इनकी ग्रोथ होती जाएगी। तो ये बेसिकली वीमेन SHG क्या करती हैं, आपको स्केल ऑफ फाइनेंस प्रोवाइड करती हैं और एक कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग करती हैं। नेक्स्ट इज फर्स्ट वीमेन DIG ऑफ ICG। तो इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली वीमेन DIG कौन बनी है? तो आप याद रख सकते हैं इनका नाम NK नूपर कुलश्रेष्ठ। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं जैसे नूपर NK नूपर कुलश्रेष्ठ NK, जैसे खाद होती है ना NPK वैसे आप P हटा दें तो NK नूपर कुलश्रेष्ठ। नूपर में वैसे भी NP आ गया है, नूपर को आप NP याद रखें और K से कुलश्रेष्ठ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि फर्स्ट टाइम कोई भी क्वेश्चन जो फर्स्ट टाइम होता है जैसे फर्स्ट टाइम मेल, फर्स्ट वीमेन या फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन एशिया, फर्स्ट इन वर्ल्ड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं और ये 101% आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इज MS स्वामीनाथन अवार्ड किसको मिला अभी हाल ही में? तो ये बेसिकली एग्रीकल्चर से रिलेटेड रहता है, P प्रवीण राव। नेक्स्ट पॉइंट इज आंध्र प्रदेश फर्स्ट इन ओवरऑल इंप्लीमेंटेशन ऑफ पोषण अभियान। तो गवर्नमेंट का भी हाल ही में पोषण अभियान चल रहा है, तो इसमें कौन सी स्टेट है जिसने टॉप किया है? तो इसमें टॉप किया है आंध्र प्रदेश ने इसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए। अगर पूछा जाए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स किस स्टेट से आए थे, तो मैक्सिमम जो पार्टिसिपेंट्स आए थे तमिलनाडु से, तमिलनाडु ने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया था तो इसलिए फर्स्ट नंबर इन
टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज तमिलनाडु, बट अगर पूछा जाए कि इम्प्लीमेंट किसने किया पोषण अभियान को, तो ये है आंध्र प्रदेश। तो आपसे बेसिकली आपसे यही पूछा जाएगा कि इम्प्लीमेंटेशन वाला क्वेश्चन, बट मैंने फिर भी दोनों क्वेश्चन को ऐड कर दिया ताकि आप अगर एग्जाम में ऐसा कुछ क्वेश्चन दे तो आप वहाँ पे कंफ्यूज ना हो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट इज गुजरात फर्स्ट इन डोमेस्टिक सोलर रूफ टॉप इंस्टॉलेशन। तो गुजरात ने डोमेस्टिक सोलर रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन में गुजरात ने टॉप किया है, क्योंकि जितनी भी रूफ के ऊपर आप सोलर सेल्स वगैरह लगाते हो ये सब चीज़ों में गुजरात नंबर वन है। नेक्स्ट इज BVC इंडियन स्पोर्ट्स वूमेन ऑफ द ईयर अवार्ड। तो किसने जीता है स्पोर्ट्स वूमेन का अवार्ड, तो PV सिंधु। नेशनल स्लोगन ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश ने अभी नेशनल स्लोगन क्या बनाया, जय बंगला। नेक्स्ट इज फागली फेस्टिवल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये फागली फेस्टिवल कहाँ होता है, हिमाचल प्रदेश में। अगर आप हिमाचल प्रदेश से हैं या हिमाचल प्रदेश एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके आने वाले एग्जाम जैसे HAS या HP एलाइड उसमें ये क्वेश्चन को देखने को मिलेगा। तो फागली फेस्टिवल कहाँ का है, बेसिकली इट इज ऑफ किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट इज निगा ऐप, निगा ऐप कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। ये बेसिकली किस लिए लॉन्च की गई है, जो भी आपके इलेक्शन के टाइम पे जो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कुछ नोटिफिकेशन डालता है या फिर आपको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ दिक्कत हो रही है, यहाँ के लोगों में कुछ भ्रष्टाचार कर रहे हैं पोलिंग से रिलेटेड, तो वो सब इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल सकती है और यहाँ वहाँ पे आप चाहें तो अपना भी व्यू दे सकते हैं। तो निगा ऐप इज ऑफ आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश ने किस में टॉप किया है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पोषण अभियान फोन पे पार्टनर्स विद ICICI बैंक। तो फोन पे ने अभी हाल ही में ICICI बैंक के साथ पार्टनरशिप की है, क्योंकि आपको पता है कि क्या हुआ था, जैसे ही येस बैंक के ऊपर 50,000 विड्रॉल की लिमिट लगाई थी गवर्नमेंट ने 18 मार्च तक, तो उस दिन क्या हुआ, फोन पे से जो भी लोग पैसा ट्रांसफर कर रहे थे वो पैसा ही नहीं ट्रांसफर हो रहा था, तो इसीलिए वहां से येस बैंक को हटा के ICICI बैंक का उन्होंने बैकएंड लिया था। तो फ्रेंड्स याद रखें फोन पे पार्टनर्स विद येस बैंक फॉर UPI ट्रांजेक्शन, क्योंकि येस बैंक क्राइसिस बहुत बड़ा क्राइसिस है, अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करने ना आती तो ये पक्का येस बैंक आपका डूब जाता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और अगर पूछा जाए इस टाइम पे नंबर वन बैंक कौन सा है, तो नंबर वन PSU इज पब्लिक सेक्टर में पूछा जाए SBI, सेकेंड इज बैंक ऑफ बड़ौदा, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया बैंक और देना बैंक का मर्जर हुआ, थर्ड इज पंजाब नेशनल बैंक। तो फ्रेंड्स अगर 1 अप्रैल के बाद जब ये मर्ज्ड एंटिटी बन जाएगी तब बैंक ऑफ बड़ौदा तीसरे नंबर पे आ जाएगा, और पंजाब नेशनल बैंक, और पंजाब नेशनल बैंक में कौन कौन से बैंक मर्ज हुए हैं, पंजाब नेशनल बैंक प्लस ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और प्लस यूनाइटेड बैंक। तो पंजाब नेशनल बैंक सेकेंड लार्जेस्ट बन जाएगा और बैंक ऑफ बड़ौदा तीसरे पे बन जाएगा आफ्टर 1 अप्रैल, क्योंकि 1 अप्रैल के बाद उनका एमलगामेशन ऑफिशियली हो जाएगा। तो ये पॉइंट याद रखें, फर्स्ट इज SBI, सेकेंड विल बी पंजाब नेशनल बैंक एंड थर्ड विल बी बैंक ऑफ बड़ौदा, बट आज की डेट में सेकेंड इज बैंक ऑफ बड़ौदा, क्योंकि अभी उनकी बैलेंस शीट मर्ज नहीं हुई है। वो बैलेंस शीट कब मर्ज होगी, आपको पता होगा मार्च एंड चल रहा है, 31 मार्च को होगी। तो फ्रेंड्स ये सब पॉइंट आप माइंड में याद रखें। महाराजा रणजीत सिंह, तो इनको क्या मिला, ग्रेटेस्ट वर्ल्ड लीडर इन BBC पोल में इनको अवार्ड मिला है, ग्रेटेस्ट वर्ल्ड लीडर माना गया इन्होंने। तो नेक्स्ट पॉइंट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फर्म्स यंग ग्लोबल लीडर्स लिस्ट। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फर्म की यंग ग्लोबल लीडर्स लिस्ट में कौन कौन आए हैं, तो फर्स्ट पॉइंट इज गौरव गुप्ता। तो गौरव गुप्ता जी को तो हर कोई जानता होगा, गौरव गुप्ता जी कौन है, जोमैटो के को फाउंडर हैं, जोमैटो दैट इज द लार्जेस्ट फूड डिलीवरी ऐप, तो ये बहुत बड़ी फूड डिलीवरी ऐप बन गई है आफ्टर स्विगी और जोमैटो। आजकल नॉर्मल सी बात है, हर कोई बोलता है स्विगी और जोमैटो का जमाना है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इनको यंग लीडर लिस्ट में मिला है इनके को फाउंडर को। नेक्स्ट इज वाईजू रविंद्रन, तो वाईजू रविंद्रन कौन है, तो फ्रेंड्स बेसिकली वाईजू रविंद्रन, बेसिकली इन्होंने वाईजू एप्लीकेशन को लॉन्च किया था जो कि आपकी एजुकेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट इज हैदराबाद होस्ट विंग्स इंडिया 2020, तो हैदराबाद ने भी हाल ही में विंग्स इंडिया 2020 को होस्ट किया है। नेक्स्ट पॉइंट इज गूगल इंडिया स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो गूगल इंडिया ने एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया है, इसके अलावा आपको पता होगा गूगल क्लाउड भी लॉन्च किया उन्होंने दिल्ली में। तो नेक्स्ट इज कहाँ, इसका क्या नाम है, इसका नाम है DG पाइवट, और इसके CEO कौन है, सुंदर पिचाई। तो HP टू गेट $80 मिलियन, हिमाचल प्रदेश को $80 मिलियन मिलेगा फॉर वाटर मैनेजमेंट, पानी को कैसे मैनेज करना उसके लिए $80 मिलियन मिलेगा। नेक्स्ट इज डिजिटल सॉल्यूशन एक्सचेंज दैट इज कोकाडल लॉन्च्ड इन इंडिया, तो अभी हाल ही में डिजिटल सॉल्यूशन एक्सचेंज लॉन्च हुई है, उसका नाम पूछ सकते हैं आपसे, तो उसका नाम है कोकाडल। नेक्स्ट इज इंडिया का जो रैंक है वो सेकंड है इन ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन में, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, पूछ सकते हैं आपसे, जो अभी हाल ही में
वर्ल्ड से जो रिपोर्ट आई है फॉर एनिमल प्रोटेक्शन, उसमें भारत का क्या रैंक है? तो सेकंड रैंक है ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन। भारत में जितने भी लोग हैं वो एनिमल को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि ये लिस्ट इसलिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपको देखा होगा ऑस्ट्रेलिया में कैसे अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले आग लगी थी, और उस आग में कैसे बहुत से जानवर जल के नष्ट हो गए थे। नेक्स्ट पॉइंट इज IIT मंडी टू सेट अप टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब, इंपॉर्टेंट है। IIT मंडी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट पॉइंट इज बंगाली एक्टर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सांटू मुखोपाध्याय पास्ट अवे, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो विचुरी से रिलेटेड है। नेक्स्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस वीडियो में पूरे दो इंपॉर्टेंट जो हैं ब्रांड बेस्टर हैं। फर्स्ट इज फॉर प्यूमा के लिए करीना कपूर, सेकेंड इज फॉर IDFC फर्स्ट बैंक, दैट इज अमिताभ बच्चन। IDFC फर्स्ट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। नेक्स्ट पॉइंट इज फेसबुक प्रगति टू बूस्ट वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, तो फेसबुक प्रगति प्रोग्राम लॉन्च किया है ताकि वीमेन जितनी भी हैं इनको एंटरप्रेन्योरशिप में इनको बूस्ट मिले, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर बने। नेक्स्ट पॉइंट इज इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट डिजिटल पार्सल लॉकर सर्विस, पहली डिजिटल पार्सल लॉकर सर्विस कहाँ पर लॉन्च हुई है? सो इंपॉर्टेंट है, इन वेस्ट बंगाल। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, अराउंड 62 पॉइंट थे 1 से 15 मार्च के बीच में, ये मैंने आप सबके सामने डिस्कस कर दिए हैं। फ्रेंड्स, आप चाहो तो इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखना, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सकें। फिर भी अगर आपको किसी भी पॉइंट में डाउट लगाओ तो कमेंट करके जरूर बताना, मैं और मेरी टीम विद इन 1 आवर आपके कमेंट को रिप्लाई करके साथ का साथ सोल्यूशन प्रोवाइड करेगी। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज ऑल अबाउट फ्रॉम मी, सो आई एम कबीर गोइंग टू साइन आउट। साइन आउट करने से पहले मैं एक बार फिर से बता दूँ, अगर आपको लगता है कोई स्पेसिफिक टॉपिक आपको चाहिए जिसके ऊपर वीडियो वगैरह, जिससे आप मैक्सिमम यूटिलाइज हो, आपको मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन हो, तो वो भी आप हमें बिल्कुल बताना, हम उसके ऊपर जरूर बताएंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, वी विल मीट सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो। कीप सपोर्टिंग अस, कीप लविंग अस, थैंक यू सो मच।